अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? जब इंसान का ऑफ हो और वो अपने होम सिटी में ना जाए, ये हो नहीं सकता। तो हमने बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा टूर किया जाए, बाय रोड लाहौर जाया जाए। बाय रोड ट्रैवल मैंने कराची से लाहौर, ये मेरा थर्ड टाइम है जो हम बाय रोड जा रहे हैं। कोरोना ने हमें बाय रोड सफर सिखा दिया। जब कोरोना चल रहा था तो दो बार हम तब गए थे, और अभी तीसरी बार हमने सोचा टाइम भी है और एंजॉय करते जाते हैं, क्या है। तो बस हम लोग निकल चुके हैं अपने सफर को, और मैंने सोचा कि एक रास्ते का छोटा सा व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खाना खा रहे हैं, सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरी व्लॉग्स देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो बस हम अपने सफर को निकल चुके हैं और मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ कि टाइम क्या हुआ है। ये देखिए, तो इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 7:45 हो रहे हैं और हम अपने सफर को रवा दवा है। तो हमने जो रास्ता चूज किया है वो रास्ता ये है, और ये जो तो कराची में रहते हैं हमको तो पता होगा ये कौन सा रास्ता है, और जो कराची में नहीं रहते उनको मैं बता देती हूँ, ये लियारी एक्सप्रेस है। हमने यहाँ से निकलना है और ऑल द वे लाहौर तक जाना है। रास्ते में मैं आप लोग दिखाती रहूँगी, लाइट बहुत ज़्यादा हुई है, दिखाती रहूँगी हम कहाँ रुक रहे हैं, हम कहाँ से गुजर रहे हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। तो घर से हम नाश्ता बना कर लाए हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने बाय रोड ट्रैवल किया था तो हमने, क्योंकि कोरोना था तो चाय, चिप्स, तमाम स्नैक्स, सैंडविचेस हमने साथ बना कर रखे। इस बार भी हमने साथ बना कर रखे हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा हमें लगा ना, वो ट्रैवल बहुत मज़े का था, वो ट्रैवलिंग हमारी बहुत मज़े की थी। तो इस बार भी हम बना कर लाए हैं और अभी हम नाश्ता करने लगे हैं क्योंकि भूख लग रही है। 9 बज गए हैं, वैसे तो हम घर से जूस पी के निकले थे और अभी हम नाश्ता करेंगे। और नाश्ते में क्या है मैं एक सेकंड दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मुझे ये सैंडविच बना कर दिया है सिस्टर ने, और अभी मैं ये खाऊँ। बहुत अच्छा बना, यम्मी। केचप नहीं चाहिए। हम लोग सैंडविचेस अपने तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना टेस्ट है ना, तो हर बंदे की अपनी एक रेसिपी है, वो अपने हिसाब से अपना फूड बनाता है। तो ये बड़ी मज़े की रेसिपी, उफ, मुझे बहुत पसंद है। वीडियो में भी बंद करूंगी ताकि मैं अपना फूड एंजॉय करूं। हाय, हम म्यूजिक नहीं लगा पा रहे क्योंकि वीडियो ऑन करते हुए म्यूजिक ऑफ करना पड़ता है, जाहिर है, वरना कॉपीराइट्स के इश्यूज आ जाएंगे। तो क्या नज़ारे हैं, क्या मजा आ रहा है, उफ, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे आइडिया नहीं था कभी भी कि बाय रोड इतना लंबा सफर बहुत अच्छा रहता है, और अगर अच्छी आपकी कंपनी हो, अगर आपकी फैमिली आपके साथ हो, ऐसे अच्छे दोस्त हो, तो बाय रोड सफ़र बड़ा मज़े का है भाई। तो हम तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं।
ये देखिए वेदर भी कितना अच्छा हो रहा है ना। तो इस वक्त हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जामशोरो, और जामशोरो आप लोगों को पता ही होगा कि यूनिवर्सिटीज की वजह से बहुत मशहूर है, और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा ये प्लांट बना हुआ है जो बिजली बनाता है। हाँ एक्चुअली हम वो हाइट पे थे ना, बड़ा ये बिजली बनाने वाला प्लांट, तब प्रॉपर नजर आ रहा था, मेरे वीडियो ऑन करते करते ये दब गया, लाइक हम नीचे आ गए। और ये सिंध का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, इधर से देखिए अब तो दब गया है, जब हम हाइट पे थे ना तो बड़ा प्रॉपर नजर आ रहा था। नहीं नहीं पर सही है इंशाल्लाह। ये देखिए ये है मांझन, कितनी दूर दूर घर बने हुए हैं और यहाँ पे पानी भी नहीं होता है, पता है ये घर बने हुए सारे, ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। उफ, कितना ड्राई इलाका है ये, कहते हैं दूर दूर तक पानी नहीं होता यहाँ पे, वो तो बड़ी मुश्किल से सरवाइव करते हैं। कितनी ना शुक्री समटाइम हम लोग करते हैं, मुझे देख देख के बड़ा डिप्रेशन हो रहा है कि यार देखो उफ, हमें अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं हम पे भी शिकवे गिले करते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम कहते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ऐसे नहीं हुआ, मेरा ये रह गया जिंदगी में, मेरा वो रह गया, मुझे ये करना था मुझे वो करना था मुझे ये नहीं मिला। और देखे कितना ड्राई इलाका है कि जो लोग भी हम देख रहे हैं ना वो मतलब पता चल रहा है कि लगता है सदियों से इन बेचारों ने पानी भी नहीं पिया होगा। सबसे पहले मैंने यही व्यू दिखाया था, अभी ये थोड़ी सी ग्रीनरी स्टार्ट हुई, ये देखिए जरा घर देख रहे हैं आप लोग, देख के मुझे कितना अजीब लग रही है, देखिए कैसे छोटे छोटे मैदानों में झोंपड़ी गर्मी कितनी ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स अभी बिल्कुल खुश्क इलाका, ऐसे जैसे दूर दूर तक पानी का कोई जिंदगी में नामो निशानी नहीं रहा होगा यहाँ पे, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो फाइनली थोड़ी सी कोई ऐसी जगह हमें नजर आई जहाँ पे थोड़ी सी जिंदगी देखने को मिली, तो थोड़ी सी हरियाली देखने से इंसान को जिंदगी नजर आती है। ये सूरजमुखी के खेत हैं, दो गुजरे हैं, एक मैंने कैप्चर कर लिया और एक इससे पहले गुजर गया। भाई पानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है साहब, बहुत जरूरी है। ये मुझे यहाँ देख कर जो वहशत हुई है ना अचानक से, उफ़ल्लाह इतनी ड्राइनेस, कैसे जीते होंगे ये लोग। खैर जिंदगी गुजारा करके ही गुजार रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे बेचारे, जिंदगी अपना रास्ता बना लेती है। सही बात है, आप भी इनको देख के यही अंदाजा हो रहा है मुझे, जिंदगी और पानी अपना रास्ता खुद बनाते हैं। बड़ी अच्छी बात की है। चलें जी आगे कुछ आता है तो वो भी दिखाती हूँ और बताती हूँ, साथ रहिएगा मेरे, स्किप नहीं करना है इसको। हाँ अभी बता रही हूँ मैं आपको, ये है दरियाए सिंध, दरियाए सिंध हम अभी क्रॉस करेंगे, और देखिए जरा कोई खास पानी नहीं है इसमें, तो मतलब पानी की इतनी किल्लत क्यों होती जा रही है भाई, क्या हो गया है। देखिए इस तरह भी तो कोई खास नहीं, बहुत कम है, पानी की किल्लत दिख रही है अभी से, फ्यूचर में क्या होने वाला है अभी
अंदाजा भी लगाया जा सकता, बल्कि इन चीजों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत गर्मी हो रही है बाहर, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत। देखिए यहाँ पे कितनी ड्राई, ऐसी जमीनों पे कलर आया हुआ है। तो ये है केलों के बागात, और सबसे ज्यादा केला सिंध में काश्त होता है। ये बंद करो, ये हवा बहुत आ रही है। आड़तियों से उठाया जाता है तो ये इतने मामूली से प्राइस में उठाते हैं, फिर ठेकेदार उठाता है, ठेकेदार मंडी में देता है, मंडी से फिर दुकानदार के पास जाता है, या शॉपिंग मॉल में जैसे हम जाकर शॉपिंग करते हैं तो वहां पे हम लोग फ्रूट खरीदते हैं। तो मतलब चार लोग केले को काश के बाद उठाते हैं, तो हम तक पहुंचते पहुंचते इतना महंगा हो जाता है। अब यकीन जानिए, रमजान में 450 रुपए दर्जन केला था, और हम इस बात को सोच सोच के हैरान हो रहे थे कि क्या अब गरीब इंसान फ्रूट ही नहीं खा पाएगा। बहुत सारे इश्यूज भी इस बात पे उठे, बहुत सारे लोगों ने आवाज भी उठाई, दोबारा दिखा रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने आवाज भी उठाई। और आपको पता है ये 10 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन पे उठाए जाते हैं यहाँ से। कितना खूबसूरत लग रहा है, अल्लाह गुजर गया। मुसलसल कोई पिछले 1.5 घंटे तकरीबन 1.5 घंटे से केलों के बागात ही चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो इस वक्त हम गुजर रहे हैं नवाब शाह के पास से, बिल्कुल एंटर हो चुके हैं हम। तो नवाब शाह को नवाब शाह नहीं बोला जाता, अब इनको बोला जाता है। इस इलाके का जो नाम है अब वो है बेनजीराबाद, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम पे अब ये शहर जाना जाता है। और खैर, उनका तस्करा आ गया तो छोटी सी बात बताना चाहूँगी। जब इनकी डेथ हुई थी, जब इन पे फायरिंग हुई थी, कभी छोटे थे हम, ना तो कभी सियासत से कोई ताल्लुक रहा है, ना कभी इंटरेस्ट रहा है। और जब पता चला ना कि खातून को मार दिया गया है गोलियों से, तो बहुत रोए थे हम। मैं इतना रोई थी सिर्फ इस बात पे कि एक औरत को मार दिया गया यार, क्योंकि बहुत बच्चे थे तब, इन चीज़ों का पता नहीं था कि क्या है, किस तरह से। अब तो खैर बहुत अवेयरनेस आ गई है बच्चों को, अब तो चीज़ें बड़ी फास्ट हो गई हैं, तो हमें कोई इतना ख़ास नहीं पता होता था क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। तो देखें, हमारे मुल्क में ऐसा भी होता है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी बख्शिश करे। देखिए, हमारे यहाँ पे एक वाहिद लेडी थी वज़ीरे आज़म, अगर उनके साथ ये किया जा सकता है तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो कब क्या हो जाए भाई। मुसलसल अब 2.5 घंटे हो चुके हैं, अभी भी केलों के बागात चल रहे हैं भाई। माशाल्लाह, इतनी काश्त होती है केलों की यहाँ पे, और हमें इतने महंगे खाने को मिलते हैं। देखिए, मुसलसल चल रहे हैं, मुसलसल माशाल्लाह। साथ रहिए मेरे, ओके। आप लोगों की वजह से वीडियो बना रही हूँ मैं, स्किप नहीं करना। और जो पूरी वीडियो देखे ना, प्लीज वो मुझे जरूर बताए कि उसने पूरी वीडियो देखी है या स्किप करके देखी है। ठीक है, चलें, ये लास्ट टाइम आप लोगों को मैं दिखा दूं। हाय ओए ट्रक, ये कितना अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह भाई। थोड़ी आजादी फील हुई है फिजा में, वरना वहां पे तो इतनी खुश्की थी कि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे वो इलाका देख के। सीरियसली मुझे मेरी फील जो थी ना, बड़ी अजीब सी हो गई थी, बेचैनी वाली हो गई थी, मतलब बहुत ड्राइनेस देखे। तो अभी बहुत
अच्छा अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा। मुझे ड्राई इलाके बिल्कुल भी नहीं पसंद, अजीब सी कैफियत है इनको देख के। कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये ट्रेन, माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही थी ना ट्रेन, है ना यार। अभी तक हम लोगों ने ट्रेन का सफर ही नहीं किया। बाय रोड भी कोरोना की वजह से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट टाइम जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत घबराए हुए थे कि उफ अल्लाह इतना लंबा सफर कैसे करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन क्या हुआ कि हम आसानी से सफर कर गए। और अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि ट्रेन का सफर बहुत अच्छा है, बहुत मजे का है, आप इंजॉय करेंगे। तो अभी तो हम अचानक निकले हैं तो ट्रेन का सफर नहीं कर पाए, बट मुझे लगता है कि ट्रेन का सफर भी हमें एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। तो जब भी मैं ट्रेन का सफर करूंगी वो भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बल्कि आप लोगों में से जिसने भी ट्रेन का सफर किया हुआ है वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में। और मैंने सुना है कि बड़ा आरामदेह उसका है सफर, और अब तो बिजनेस क्लास भी है और खाना पीना उठना बैठना सब ईओ है। देखें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अभी ट्रेन गुजर रही थी तो मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा कितनी अच्छी लग रही है। इंशाल्लाह जाहिर है जब ट्रेन में हम बैठ के वीडियो बनाएंगे तो बाहर का मंजर कुछ और ही होगा मेरे ख्याल से, अगर सोचा जाए तो। क्योंकि जितनी तेजी से वो चल रही होती है चीजों को कितना फास्ट कैप्चर करेगी ना वो, ऐसी हवाओं में कैप्चर करेगी वो। तो देखिए अभी क्या होता है, कब करते हैं सफर, जब भी करूंगी शेयर जरूर करूंगी। जैसे अक्सर सेट पे बात होती है तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि आलिया जरूर करना ट्रेन का सफर, क्योंकि ट्रेन का सफर बहुत मजे का है। अगर तुम्हें बाय रोड सफर करने का मजा आया ना तो तुम्हें ट्रेन का तो बहुत ही मजा आएगा। तो ये हम पहुंच गए हैं दौड़ शहर, आई थिंक ये कोई सिंधी नाम है ना, हाँ सिंधी नाम है ये। मुझे ड्राई इलाके नहीं पसंद, अजीब सी कैफियत हो रही है इनको देख के यार। चारों तरफ इसी तरह के, तो देखें चारों तरफ इस तरह के बाग आकर अब ये नन्हे मुन्ने से पौधे शुरू हो गए, अभी आगे भी आएगा। मैंने आप लोगों को इतनी लंबी वीडियो बनाकर दिखा दी है खजूरों के दरख्तों की, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई। हमारे मुल्क में इतनी खजूर काश्त होती है उसके बावजूद इतनी महंगी, ये बात सोचने वाली है। अपने मुल्क में चीज़ें काश्त करके भी चीज़ों को महंगा बेचा जा रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इर्द गिर्द खजूरें खजूरें, लेकिन मुझे वैसे भी खजूर बहुत पसंद है। वाह ये देखिए इससे खजूरें लगी भरी हुई है, वाह। मतलब दिल चाह रहा है कि मैं इनको कैप्चर करती ही रहूं, वीडियो बंद करने को दिल ही नहीं चाह रहा मेरा, हाँ। क्योंकि ये इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी अपील कर रही है ना ये। अच्छा ये जो ड्राई फ्रूट छुवारा है ना
हाई क्वालिटी का भी और लो क्वालिटी का भी खैरपुर से ही निकलता है, क्योंकि यहाँ पे खजूर की बहुत काश्त है, और खजूर की जहाँ पे बहुत काश्त होती है वहीं से छवारा निकलता है। ये बीच में थोड़ी सी जगह खाली आ गई, जितना भी छवारा निकलता है ना मार्केट में खैरपुर से ही निकलता है, और इस वक्त लदे पड़े हैं ये दरख्त खजूरों से। देखिए माशाल्लाह, इस साइड पे भी और इस साइड पे। यहाँ पे रास्ते में आम और खजूरों के दरख्त मिक्स लगाए हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो जैसे ही ये आम खत्म होंगे तब तक खजूरें तैयार हो जाएंगी, और फिर खजूरों को उतारा जाएगा और जो खजूरें होंगी उनको रख लिया जाएगा, और मेरे ख्याल से थोड़े से जो डैमेज होते हैं ना उनका छवारा बना दिया जाता है। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना आला आला फल बनाया है। देखिए आप, केला और खजूर एक साथ है यहाँ पे। भाई अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बहुत खूबसूरत बनाया है माशाल्लाह, हरियाली देख के दिल खुश हो गया है। थोड़ी देर के लिए तो दिल बुझ गया था बहुत सारी बीच में चीजें देख के, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे ना, उन चीज़ों को देख के दिल बुझ सा गया था, लेकिन अभी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम हैं खैरपुर, और खैरपुर में खजूरों के दरख्त बहुत हैं। खैरपुर बहुत मशहूर है खजूरों की वजह से, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खजूर ही काश्त की जाती है। इस केनाल का नाम था रोड़ी केनाल, और ये वो नहर है जो हैदराबाद तक को आबाद करती है, और इस वक्त हम सक्खर में हैं, हम सक्खर में आ गए हैं। अब मुझे नींद आ रही है पता है, लेकिन मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी, मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगी, सब बताऊंगी जो मुझे पता है, जितना पता है, जितना मेरा नॉलेज है या जितनी चीज़ों का मुझे पता है। मुझे बड़ी चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी रहती है, सवाल बहुत करती हूँ, ये क्या है, ऐसे क्या है, इस तरह कैसे है। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज मिला उतना सा आप लोगों को बता रही हूँ जो पता है, बस कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरा व्लॉग भी अच्छा बन जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता बहुत सारी चीज़ों का, तो उनको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत कुछ पता होगा और उनको ये बातें शायद नॉर्मल लगे, तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए व्लॉग है जो इन इलाकों को नहीं जानते, उनके लिए बना रही हूँ मैं। इसके अपनी करना, सारा देखना है। आओ सफर में आप लोग चाय साथ जरूर बना कर रखें, क्योंकि सफर में चाय पीने का मजा ही अपना है। जो तो टी लवर हैं उनको तो बड़ा ही मजा आता है, साथ साथ गाड़ी चल रही है, साथ साथ म्यूजिक इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ चाय पी जा रही है। क्या खुशबू आ रही है, वाह बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। भाई जो तो टी लवर है ना वो तो रास्ते में अपने लिए थर्मस भर के जरूर रखें, क्योंकि सफर में इतने लंबे सफर में चाय आप बार बार पीते रहे आपको मजा आता रहता है और नींद भी नहीं आती।
उससे यह है कि आप इंजॉय करते रहते हो। चाय पीते हुए हम लोग सखर का आगाज करेंगे। तो एक बार फिर हम ड्राइनेस में आ गए। कितनी ड्राई जगह है सखर में, उफ़ल्ला। इसको भी देख के थोड़ा सा फिर दोबारा एक बार उसी ट्रांस में चले गए हैं। ये है नुसरत भुट्टो इंस्टीट्यूट। तो हमने सखर का सफर मुकम्मल कर लिया है। इस वक्त हम मुल्तान मोटरवे पे आ गए हैं। यहाँ से हम सीधे मुल्तान जाएंगे और मुल्तान से फिर डायरेक्ट हम लोग लाहौर जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस वक्त हम लोग मोटरवे से जा रहे हैं और मोटरवे इतना खूबसूरत बना हुआ है कि आपका सफर इतना सुकून और आराम से गुजर जाता है। ऐसे फुल कारपेटेड है और पता ही नहीं चलेगा आप सफर का। चार साढ़े चार घंटे हैं, पाँच घंटों में हम इंशाल्लाह अपने घर में होंगे। और अगर पूरे पाकिस्तान की सड़कें ऐसे ही बन जाएं, दिखाती हूँ, अगर पूरे पाकिस्तान की सड़कें ऐसी ही बन जाएं तो कितना मज़ा आए, पेट्रोल की कितनी बचत हो, टाइम की कितनी बचत हो। हमारा टाइम भी ज़ाया होता है, हमारा पेट्रोल भी ज़ाया होता है। पेट्रोल ज़ाया हो रहा है तो पैसे ज़ाया हो रहे हैं, तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं ना। बहरहाल मुझे ये सफ़र बड़ा मज़े का लग रहा है। अरे वाह, यहाँ पे भी खजूरें, वाह। भाई मुझे खजूरें बहुत अपील करती हैं, बड़ी पसंद है मुझे। मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ पीछे सखर तक, तो नींद अगर आए भी तो थोड़ी देर के बाद पाँ पी पू पाँ, यू नो, क्योंकि थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो झटके भी आपको लग रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम मोटरवे पे आते हैं, अब मुझे थोड़े टाइम के बाद इतनी नींद आएगी कि चाह कर भी मैं जाग नहीं पाऊँगी। तो ये है थोड़ा सा। अच्छा, मुझे सेब के बागात देखने का बड़ा शौक है। सेब हो गया, चेरी हो गई, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि क्या खूबसूरती होगी उनकी, उनके दरख्तों की, उनके पौधों की। तो मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं सेब के बागात देखूं, और अगर मैं कभी देखने गई तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। चले जी, अभी आप लास्ट टाइम मोटरवे देखिए और अब मैं जाके मुल्तान के पास अपनी दोबारा वीडियो ऑन करूँगी इंशाअल्लाह। तब तक मैं थोड़ा सा सो जाऊँगी। तो इस वक्त हम लोग मुल्तान पहुँच चुके हैं, सब थक चुके हैं क्योंकि हम रास्ते में कहीं नहीं रुके, और अभी आकर हम मुल्तान में रुके हैं। मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया है और मैं अब इजी हूँ, सब रेस्ट करेंगे और मैं ड्राइव करूँगी। यस, अंदर आ जाओ, वीडियो लेकर अंदर आ जाओ। नहीं, उस तरफ आ जाए, उस तरफ आ जाए ना आप। बस अब हम
लाहौर जाकर ब्रेक लगाएंगे, और तब तक मैं ड्राइव करूंगी इंशाल्लाह। साथ रहिएगा, अभी और भी बहुत कुछ दिखाना है मुझे आपको। अच्छा मैं 120 की स्पीड पे ही जाऊंगी। हाँ बस आराम से जाऊंगी। मैं इसको फिक्स कर रही हूँ 130-140 पे, मैं नहीं खींचूंगी इसको भाई। यहाँ पे 170 पे सब गाड़ी खींच कर लाया है, मुझे डर लगता है इतनी स्पीड से, पता नहीं क्यों। हालांकि ऐसे लग रहा है जैसे मैं 50-60 पे ड्राइव कर रही हूँ। हाँ मुझे ये फीलिंग आ रही है, जबकि 120 पे जा रही है गाड़ी। इतनी स्मूथ है ना, आहिस्ता लग रही है। हाँ आहिस्ता लग रही है। कितना अच्छा लग रहा है, लाइट लग रही है शीशे में से, बड़ा लग रहा है। हाँ हवा बहुत आ रही है, शीशा नीचे करती हूँ मैं। शीशा तो अब मैं सीट चेंज कर चुकी हूँ, yes. दोबारा ऑन करती हूँ। अभी हम आपस में एक चीज डिस्कस कर रहे थे मोटरवे के बारे में ना, मतलब हम सुबह के निकले हुए हैं, रात हो गई हमें, तो जब लोग हाईवे से आते थे तो वो तो 2-3 दिन में पहुंचते होंगे, नहीं क्यों आप ही? हाँ दो ढाई दिन ही लग जाते थे यार, ये तो बड़ी ब्लेसिंग है। वो शहर से अंदर आते, ये तो रोड हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। चले कोई तो अच्छा काम करके गए, समझ रहे ना आप लोग मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। ये देखिए आप भी, खैर क्या दिखाऊं बार बार, देख ही रहे हैं आप सुबह से। तो मुझे बड़ी ये चीज अच्छी लगी, अगर इसी तरीके से सारे रोड्स बन जाएं, बना दिए जाएं, तो कितना अच्छा हो जाए ना, कितना मजा आए ना, मतलब हर चीज यूं घंटों का सफर मिनटों में हो जाएगा। तो मुझे मोटरवे की ये चीज बहुत अच्छी लगी। ये हम लाहौर एंटर हो गए, यस वी आर हियर लाहौर, लौड़ लौड़ है मेरा लाहौर, हम लौड़ आ गए हैं, हम लौड़ एंट्री मार चुके हैं। तो लौड़ लौड़ है, जिन्हें लौड़ नहीं वेख्या ओ जमया ही नहीं। तो हम पहुंच गए हैं रावी टूल प्लाजा। कितनी तेरा रुतबा कट दा जे हस के बुला लवे किधरे, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं। तो ये हम आ गए लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि इतना लंबा सफर बगैर किसी मुश्किल के आप आसानी से तय कर जाओ तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, और इस पे जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ये चांद मेरे साथ साथ चल रहा है, क्यों ये चांद मेरे साथ साथ क्यों चल रहा है?
हम जब छोटे होते थे ना तो हम जहाँ पे भी जाते थे ना तो चांद हमारे साथ साथ रहता था, तो हम अपने अब्बू से कहते थे ये मैं जहाँ जाती हूँ ये वहाँ क्यों जाता है, तो अब्बू कहते थे क्योंकि ये तुमसे प्यार बहुत करता है ना तो तुम्हारी हिफाजत करता है इसलिए तुम्हारे साथ साथ रहता है ना। माँ बाप कितने अच्छे होते हैं ना, अपने बच्चों को कितने लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, तो हमें ये एक्सक्यूज मिलता। आप लोग भी देखें, पहले ये मेरी लेफ्ट पे था, अब ये मेरे सामने आ गया है, और देखें मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ ये मुझे फॉलो कर रहा है, अब ये मुझे फॉलो कर रहा है। जस्ट किडिंग, बचपन बहुत प्यारा होता है, तो मेरी बचपन की ये खूबसूरत याद इस चांद के साथ। अपनी गली में आ चुके हैं, हा फाइनली गिव अ किस किश मोर मोर, तो हम अपने घर आ गए हैं। किश किश, डू यू मिस मी? हाउ मच? लॉट ऑफ। ओ वाओ, माशाल्लाह, यू लुक सो गुड, माशाल्लाह। ओ कम 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 हियर। तो हम अपने घर आ चुके हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को बहुत पसंद किया होगा। मैंने अपने रास्ते में काफ़ी टाइम आप लोगों को दिया, मुझे जहाँ टाइम मिला मैंने फौरन वीडियो बनाई, और जो मुझे पता था उस रोड के बारे में मैंने आपको बताया, और जिनको उस रोड के बारे में नहीं पता था, जिन्होंने कभी भी इस तरह ट्रैवल नहीं किया, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस ब्लॉग के जरिए। और देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अब मेरा सफ़र शुरू हुआ है क्योंकि मैं लाहौर आई हूँ, ये मेरी सिटी तो है बट अब मैं रहती कराची में हूँ, तो यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो हम घूमते फिरते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, क्या बनाऊंगी मैं वीडियो, मुझे खुद भी नहीं पता, देखते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। और ये मेरी छोटी नीस है, योर गुड नेम बेबी, योर गुड नेम अरवा, गिव मी किस, गिव मी किस, शी लव्स मी अ लॉट, यू लव मी, या आई लव यू टू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। तो आज की मेरी ये वीडियो यहाँ पे हुई खत्म, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय। व्हाट? ओ वाओ, बेबी की देख लें बी, ओ वाओ, यू आर सो क्यूट, मेरी क्यूटी बॉय, मेरी क्यूटी बॉय, मेरी क्यूटी बॉय, मेरी क्यूटी बॉय, ओ चंदा, आई डोंट नो, से बाय बाय, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर Alia's channel. Alia's channel. Thank you. Thank you. Love you all. Mwah. Love you all. Mwah. Okay, जी सबको अल्लाह हाफिज। अब हमारी मस्तियाँ शुरू हो गई हैं और हम अभी खाना खाएंगे, सबको मेरी तरफ से और अरवा की तरफ से बाय।